चुनाव के समय मैंने आपसे कामयाब और दमदार सरकार देने का वादा किया था। बीते 100 दिन में देश ने इसका ट्रेलर देख लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जीडीपी ग्रोथ रेट घट गई है, 5% पहुंच चुकी है। पहली तिमाही यानी अप्रैल से लेकर जून के मैं आंकड़े बता रही हूं, जो अभी अभी जारी किए गए 2019-20 की पहली तिमाही की जीडीपी घटकर 5% हो गई है। बीते 100 दिन में देश ने ट्रेलर देख लिया है। कारों की बिक्री 32% नीचे गिर चुकी है, गारमेंट कंपनियां बनियान तक नहीं बेच पा रही हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही 3 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं, कई कंपनियों के सैकड़ों शोरूम पर ताला लग चुका है, टाटा और मारुति के सैकड़ों एंसिलियरीज पर ताला लग गया है, सैकड़ों कंपनियों में लगातार छटनी हो रही है, बैंकों में दिवालियों की लाइन लंबी होती जा रही है। बीते 100 दिन में देश ने ट्रेलर देख लिया है। ताजा आंकड़े फरमाते हैं कि कृषि विकास दर 2018 की पहली तिमाही के 5% से घटकर 2% पर आ पहुंची है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 2018-19 के 12% से गिरकर 0.6% पर पहुंच गई है और निर्माण विकास की दर 2018 की पहली तिमाही के 9.6% से गिरकर 5.7% रह गई। बीते 100 दिन में देश ने ट्रेलर देख लिया है। नया मोटर व्हीकल एक्ट अब लोगों की जान लेने लगा है। नोएडा के सेक्टर 62 में एक कार सवार की जान उस वक्त चली गई जब ट्रैफिक पुलिस ने नोकझोंक के दौरान उसे दिल का दौरा पड़ गया। कुछ स्कूटर्स जिनकी कीमत इस वक्त उतनी नहीं है, उससे ज्यादा तो अब चालान की राशि उन्हें देनी पड़ रही है। किसी के 24,000 रुपए, किसी का 23, तो किसी का 16,000 रुपए का चालान भी काटा गया है। दिल्ली में एक ट्रक का 1,41,700 रुपए का चालान काटे जाने का मामला सामने आया है। देश ने इसका ट्रेलर देख लिया है, अभी फिल्म बाकी है।